मैं पेपर माशी कर रहा हूँ, बचपन से यही काम कर रहा हूँ। यही श्रीनगर नापोरा में रहता हूँ। तो एजुकेशन हमारी कुछ भी नहीं है, बचपन से यही काम करते हैं। तो इसमें मैंने देखा बचपन से कोई नई चीज़ नहीं आ रही है, तो इसलिए मैंने कहा नया कलम उठाएं, कुछ हमें नई चीज़ बनानी पड़ेगी। मैं ही अपने घर में अकेला बंदा था जो ये काम कर रहा था, शौक से, अपने शौक था मैं ये काम करने का। तो कहाँ से सीखा आपने? यहाँ पे था, वो हमारे मोहल्ले में थे एक, उसका नाम था बशीरअहमद लाला, वो मेरा उस्ताद है, वहीं से सीखा है। मैं बचपन से इसी काम में हूँ। इसमें मैंने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट की है। मैंने इसको वाटर प्रूफ किया, पहले तो पेपर तो आप किसी को के पेपर में ये वाटर प्रूफ हो नहीं सकते, मैंने इसको वाटर प्रूफ भी किया। मैंने एक फ्लावर बनाया, उसमें हमने वो मिट्टी डाली, पौधा भी लगाया, ठीक है। अब इसको फायर प्रूफ भी बना रहा हूँ मैं, वाटर प्रूफ भी बनाया, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं। हमने सारी एक्सपेरिमेंटें की है, अब खाली हमें लॉन्च करना है इंशाल्लाह। इसमें हमने पहले बनाते थे ये बिल्ली, खरगोश, हाथी, डब्बे, मुख्तलिफ जो ये करते आए हैं बचपन से, मगर मैंने इसमें एक नई एक एक्सपेरिमेंट की है। हमने सोचा इसमें तो नया आ नहीं रहे हैं इस काम में, तो कुछ नया करना पड़ेगा। क्योंकि मैं पिछली दफ़ा मैं सोनमर्ग बालगाम में गया था, वहाँ पे जो दरख्त थे वो सब कुछ मैंने कटे हुए देखे हैं, खाली उनकी जड़ मुझे नज़र आ रही थी। मैंने कहा इसके लिए हमें काम करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक टेबल बनाया, बड़ा अच्छा टेबल बनाया। तो उस पर मैंने बहुत तजुर्बे किए, उस पर मैंने बहुत वज़न डाल दिया, हर चीज़ से इसमें लिहाज से मैंने अच्छा बनाया। वो पहली दफ़ा मैंने जब टेबल बनाया तो मैंने गवर्नमेंट को दिखाया, उनको बड़ा पसंद आ गया, वो फौरी तौर पर वो ले गए। तो मैंने कहा आप इस पर एक्सपेरिमेंट करें, आप इसके ऊपर वज़न डालें, आप इसको फेंकें, आप इसको कुछ भी नहीं होगा। इसमें मैं साबित करके दिखाऊंगा, मैं फर्नीचर भी जितना भी नहीं, फर्नीचर जितना मैं लकड़ का ही बनता है, मैंने कहा इसको मैं पेपर में बनाऊंगा इस फर्नीचर को, चाहे बेड हो, टेबल हो, कोई भी छोटा मोटा जो फर्नीचर में बनते हैं लकड़ के, वो मैं इस पेपर में बनाना चाहता हूँ।